हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 8 पावर लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप कभी भी कॉल करते हैं और आपकी कॉल करने पे फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका जो है ना कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जाती है मोबाइल फ़ोन की, तो आपको सबसे पहले करने का है ना कि आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे? देखिए, मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन होता है, इस पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये वाला ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ना ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है ना, तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है? देखिए, हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है मोबाइल कॉल करने पर, डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस करना है क्या कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का जो कॉलिंग का ऐप है, इस कॉलिंग के ऐप को आपको रीसेट करना है। ठीक है, अब देखिए, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करने के लिए आपको इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से दबा के रखना है। एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ये वाला जो सर्कल में आई बटन बना हुआ है, इसे टैप करना है। ठीक है, तो आपका ना फोन ऐप का ये जो ऐप इन्फो का पेज है, ये वाला ओपन होगा। ठीक है, इसमें आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, तो नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप करना है, तो नीचे की साइड आपका ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस कॉलिंग ऐप को रीसेट कर देना है। ठीक है, इससे आपकी जो कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है? देखिए, आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम यहां पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है तो हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है? देखिए, सबसे पहले अपने फोन का इंटरनेट आप चालू रखिए, इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट, तो आपको नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। यहाँ पर इससे क्या होता है, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है, तो सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट के इस पेज में कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड एंड इंस्टॉल अगर कुछ भी दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस करना क्या है? देखिए, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। ठीक है, आपको अपने फोन को है ना रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई काम नहीं करते, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है। अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करेंगे, आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी जो कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आपको किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर देना है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो ये सारे प्रोसेस आप यूज करिए, तो आपकी जो कॉल करने में डिस्प्ले ऑफ हो जाती है ना, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, जो भी आपके एरिया के आसपास होगा वहां पर आपको चले जाना है, अपने फोन को दिखा देना है। हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्ड में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बताए हैं ना, ये मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन की सॉफ्टवेयर की कोई कमी की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जो है जाना पड़ेगा।